जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा या ऐसे नज़र आएगा। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जैज़ कैश और इजी पैसा दोनों के बटन्स बने हुए हैं। आपने जैज़ कैश से पेमेंट करनी है, जैसा कि मैं आपको बताने लगा हूँ कि जैज़ कैश से पेमेंट करने के लिए मैंने जिस अकाउंट से पेमेंट करनी है मैं उसका यहाँ पर फ़ोन नंबर डालूंगा। जो भी फ़ोन नंबर होगा मैं यहाँ पे उस फ़ोन नंबर को कम्प्लीटली डाल दूंगा और उसके बाद मैं ईमेल आईडी डालूंगा। जैसा कि मैं ये फ़ोन नंबर है डाल रहा हूँ, ये वो फ़ोन नंबर है जो कि जैज़ कैश के साथ अटैच है जिससे मैंने पेमेंट करनी है। उसका ईमेल आईडी डाला और साथ ही मैंने फिर अपना CNIC नंबर डाल दिया जहाँ से मैंने पेमेंट करनी है। जब ये मैं सारी पेमेंट कंप्लीट कर लूँगा तो मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अगर जैज़ कैश से कर रहा हूँ तो मुझे मेरे ही उसी मोबाइल के ऊपर एक प्रॉम्प्ट होगा जिसमें मैंने अपना कोड रिप्लाई करना होगा। जो मेरा पिन कोड है जो कि जैज़ कैश पे मैं यूज़ करता हूँ वो मैं मेंशन करके उसको रिप्लाई कर दूँगा। तो आप देखें कि ऑटोमेटिकली वो ये पेमेंट जो मेरी बैकएंड पे चल रही थी इसकी अदायगी कामयाब हो गई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।